अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संस्था लोक संस्कृति मंच द्वारा एक अनूठे सम्मान समारोह का आयोजन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का अभिनंदन कर उन्हें ग्रामीण गौरव पुरस्कार, नारी कौशल सम्मान और गौधन सम्मान दिया गया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि गाँव में महिलाओं द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। गाँव में महिलाएं स्टार्टअप शुरू कर रही हैं। केंद्र और राज्य की नीतियों से बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री भूरीबाई ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि नारी अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बच्चियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव सम्मान के लिए 80 से ज्यादा एंट्रीज आई थी, जिनमें से जूरी ने 9 महिलाओं को पुरस्कार के लिए चुना है, जिनमें 4 महिलाओं को गौधन सम्मान, 4 महिलाओं को नारी कौशल और 1 महिला को विशेष रूप से जीव दया पुरस्कार दिया गया। लोक संस्कृति मंच के बैनर के तले ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें माननीय सांसद जी मौजूद थे, साथ ही पद्मश्री विजेता अपनी भूरीबाई जी हैं, वो उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम बेसिकली ऐसे कलाकारों के लिए है जो ग्रामीण परिवेश में अपना काम कर रहे हैं, आजीविका से जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं जिनको कई बार बाजार नहीं मिल पाता है, तो मार्केट के अभाव में इनकी बिक्री वैसे नहीं हो जाती, उनको लाभ वैसे नहीं होते, लेकिन इस मंच के माध्यम से और एक और परिकल्पना है कि हम शहर में कोई ऐसी जगह उपलब्ध कराएं, खासकर सहायता समूह के उत्पादों के लिए और ऐसी महिलाओं के लिए जो कि कचरे से अच्छी चीजें बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी की हुई है और आने वाले 2 से 3 महीने में हम लोगों के ऐसी एक हाट देखने को मिलेगी जिसे हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं। योजना तैयार की गई थी, देखिए महिला दिवस पर शहर में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, खास करके कोरोना के दिनों में जब मैं गया तो मैंने देखा कि हमारी जो ग्रामीण की माता बहनें हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन चूंकि कार्यक्रम शहर में होते हैं और शहर में महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, शहर में बहुत सारी महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं नो डाउट, लेकिन ग्रामीण में भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आत्मनिर्भर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है आत्मनिर्भर देश बनाना और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना, उसी को आगे लेते हुए वो अपने पैरों पे खड़ी रहती हैं। और हमने देखा कि अलग अलग, अगर हम शहर में कितने कि स्टार्टअप की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भी उनका स्टार्टअप अपने तरीके का अलग है, तो उन्होंने भी बहुत सारे सामग्री बनाई है। उनको एक मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो समाज और शहर के बीच में आना चाहिए, उसको लेकर हम इंदौर में एक योजना बना रहे हैं कि जो हमारी माता बहनें हैं, और हमने बीच में एक कार्यक्रम भी रखा था गांधी हाल में जिसमें वेस्ट टू वेल्थ, यानी जो वेस्ट से प्रोडक्ट बनाते हैं माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है उसको स्वरूप देते हुए हमने कार्यक्रम रखा था, उसका अच्छा प्रतिसाद मिला था और हम चाह रहे हैं स्थायी रूप से एक मेला ग्राउंड हो या एक हाट बाजार हो जिसमें ग्रामीणों की बनाई हुई वस्तु बिक्री के लिए हो, ताकि वो सामग्री तो बनाती है, अच्छी क्वालिटी की बनाती है। हमने देखा कि विदेशों में जो गोबर की बनी हुई वस्तुएं जो हमारे यहाँ 20-25 रुपए की है और 500-700 रुपए में लोग, हमारे जो देश के लोग बाहर रहते हैं वो लेते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक मुझे लगता है कि उनको अगर प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की वो पूरी साकार होगी। तो लोक संस्कृति मंच ने इस बार ग्रामीण क्षेत्र में जो विशेष काम कर रही हैं महिलाओं जिनका योगदान है उनको प्रविष्टि आमंत्रित की थी, मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत सारी प्रविष्टियाँ आई, उसमें एक जूरी बनाई गई थी जो इस क्षेत्र के विधाता है ज्ञाता है, उन्होंने उस जूरी में से कुछ 9 लोगों को चयनित किया और मुझे लगता है कि अगर हम और समय देंगे तो और भी ऐसे माता बहनें निकल सकती है, और ये वो संकल्प है कि हम अपने माता बहनों को ग्रामीण क्षेत्र की आत्मनिर्भर बना सकें।